बुकिंग अमाउंट है, कितना पे करना पड़ेगा एंड इस बाइक का क्या प्राइस है, ये भी मैं आप लोगों के साथ। एंड हियर इज द 6-speed गियरबॉक्स एंड इट इज असिस्ट एंड स्लीपर क्लच। इस बाइक को लेने के लिए आपको कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा एंड 1.5 लाख डाउन पेमेंट से आपका कितना मंथली ईएमआई आने वाला है, ये सब कुछ इसी वीडियो के अंदर डिस्कस। इसका जो हेडर जो पाइप है, हेडर पाइप भी 30-35 डेज के बाद आपको जो कोलकाता में एंड आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट वेटेड बाइक जो कावासाकी के तरफ से निंजा 300 BS6। तो आज फाइनली स्पीड कावासाकी कोलकाता में लॉन्च हो चुका है। तो आप लोग को अगर ये बाइक लेना है तो आप डेफिनेटली स्पीड कावासाकी कोलकाता में आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस बाइक को लेने के लिए आगे मैं बताऊंगा आपको कितना बुकिंग अमाउंट है, कितना पे करना पड़ेगा एंड इस बाइक का क्या प्राइस है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड गाइस, इस बाइक को लेने के लिए आपको कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा एंड आपका लगभग 1.5 लाख डाउन पेमेंट से आपका कितना मंथली ईएमआई आने वाला है, ये सब कुछ इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो आप लोग कृपया करके वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। सो गाइस, दिस इज द 2021 कावासाकी निंजा 300 BS6 वेरिएंट। इस बाइक का टोटल 3 कलर आता है। अभी एक कलर जो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं है, कुछ रीजन के वजह से वो कलर अभी नहीं आया है, लेकिन आपको जो है तीनों कलर में आपको कोई भी बाइक अगर चाहिए तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। दिस इज द लाइम ग्रीन, दिस इज द कैंडी लाइम ग्रीन एंड और एक जो है इवोनी ब्लैक। तो बाइक का मैं आगे बताऊंगा आप लोग को क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है एंड क्या कुछ है। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका एक फ्रेश वॉकडाउन से। सो फ्रंट में आपको यहाँ पर मिल जाता है व्हिच इज फुल्ली हेलोजन हेडलैम्प सेटअप। इट इज ट्विन हेलोजन हेडलैम्प सेटअप एंड मैं एक बार लाइट जला के आप लोग को दिखा देता हूँ। दिस इज द पायलट लैम्प। पायलट लैम्प जो है यहाँ पर LED नहीं देखने को मिल रहा है। इट इज फुल्ली बल्ब एंड हेडलैम्प सेटअप जो है फुल्ली हेलोजन। आगे मैं इसको ऑन करके दिखा दूंगा। एंड फ्रंट का जो विंडशील्ड है, जितना दूर मेरे को पर्सनली लग रहा है कि फ्रंट का विंडशील्ड का जो डिज़ाइन है थोड़ा चेंज हुआ है, ये कंफर्म नहीं है। एंड ये जो जो कलर स्कीम जो देख पा रहा है फ्रॉम जेरिक स्टेनर से इंस्पायर्ड है एक कलर स्कीम। एंड हियर इज द नंबर प्लेट लगाने का जगह। मिरर जो है फुल्ली फोल्डेबल है, ऐसा आपको फुल्ली फोल्डेबल मिरर मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको 37mm का आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है एंड डुअल चैनल ABS है स्टैंडर्ड। फ्रंट में आपको 290mm का सिंगल 290mm पेटल डिस्क मिलता है विथ डुअल चैनल ABS के साथ एंड कैलिपर जो है फ्रॉम एंड्योरेंस। एंड फ्रंट का जो टायर है इट इज़ MRF नाइलो ग्रिप जैपर की तरफ से FY का टायर है। सेक्शन जो है 110/70/17 एंड इट इज़ ऑल्सो ट्यूबलेस टायर। ओके एंड दिस इज वाई शेप एलॉय व्हील। एंड बाकी इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें, इट्स ए 296 cc लिक्विड कूल पैरेलल ट्विन इंजन। दिस इज द 8-valve इंजन एंड दिस इज द DOHC लेआउट। ओके एंड हियर इज द लिक्विड कूल इंजन एंड इट इज ऑल्सो BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड एंड डुअल थ्रॉटल वेल्व टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन आ रहा है। इसका जो BHP है अराउंड 39 PS का आपको BHP मिल जाता है
एंड 26.1 nm का आपको टॉर्क मिल जाता है इस इंजन से। एंड कावासाकी क्लेम कर रहा है इसका जो हेडर जो पाइप है, हेडर पाइप भी थोड़ा डिजाइन में चेंज हो चुका है। इसके रीजन जो है पावर जो है और भी लीनियर पावर यहाँ पर आपको कावासाकी प्रोवाइड कर रहा है। ओके एंड हियर इज द 17 लीटर टैंक कैपेसिटी कावासाकी रेसिंग टीम का, यहाँ पर आपको स्टिकरिंग मिल जाता है। ये जो लाइम ग्रीन कलर है, लाइम ग्रीन में सिर्फ ये कावासाकी रेसिंग टीम का आपको स्टिकरिंग मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको जो पुराना जो निंजा का आपको स्टिकरिंग मिलता था वही आपको मिल रहा है। एंड निंजा का पूरा स्टिकरिंग मिल जाता है। ओके हियर इज द निंजा 300, दिस इज काइंड ऑफ KRT एडिशन का जो ग्राफिक्स था वही। हियर इज द कावासाकी का यहाँ पर स्टिकरिंग मिल जाता है। इंजन के ऊपर आपको कावासाकी का ब्रांडिंग मिल जाता है। फुटपेक जो यूज़ किया गया है फुल्ली एल्यूमिनियम फुटपेक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एंड एग्जॉस्ट जो है, एग्जॉस्ट का नोट मैं आगे आप लोगों को सुना दूंगा। एंड पीछे में जो है आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है, विच इज इट इज 5-स्टेप एडजस्टेबल गैस चार्ज मोनोशॉक एब्जॉर्बर। तो इसको आपका हाइट से आप एडजस्ट कर सकते हैं। हेयर इज द बॉक्स कटिंग स्विंगम एंड हेयर इज द सिंगल 220 mm पेटल डिस्क विथ डुअल पिस्टन कैलिपर। फ्रंट में भी आपको डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ मिलता है, पीछे में भी आपको डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ मिलता है। कैलिपर जो है फ्रॉम इंड्योरेंस। पीछे का जो टायर है इट इज MRF 140/70/17 एंड इट इज ऑल्सो ट्यूबलेस टायर। ओके एंड पीछे का ग्रैब ग्रिल जो आप देख सकते हैं इट इज मैसिव ग्रैब ग्रिल। एंड फ्रेम जो है इट इज डायमंड स्टील फ्रेम। एंड सीट कंफर्ट आप देख सकते हैं इट इज प्रॉपर स्प्लिट सीट। सीटिंग जो कंफर्ट है काफ़ी सॉफ्ट रखा गया है। एंड पिलियन का जो सीट है ये थोड़ा छोटा है लेकिन तब भी एक स्पोर्ट्स बाइक के लिए तो काफ़ी है ये सीट। एंड बाइक का जो सीट हाइट है इट इज 780 mm। तो लगभग आपका हाइट अगर 5'6" भी होगा, 5'5" भी होगा तब भी इस बाइक को आप डेफिनेटली ले सकते हैं। बाइक का जो वेट है इट इज 179 kg बाइक का वेट। एंड बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है इट इज 140 mm बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस जो है थोड़ा कम साइड यहाँ पर रखा गया है। एंड काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट साउंड जो है मैं आगे आप लोगों को सुना दूंगा। एंड पीछे का जो टेल लाइट है इट इज बल्ब टेल लाइट। मैं एक बार ऑन करके दिखा दे रहा हूँ, इट इज बल्ब टेल लाइट। एंड इंडिकेटर जो है बोथ आर बल्ब इंडिकेटर, ये भी आप देख सकते हैं बल्ब इंडिकेटर। एंड और एक चीज गाइस दिखा देता हूँ जो BS4 में भी था, यहाँ पर साइड पैनल के साथ ही पूरा इंडिकेटर अटैच है जो काफ़ी कूल लगता है एंड काफ़ी स्पोर्टी दिखता है। एंड पीछे का जो साड़ी गार्ड तो होना चाहिए, हाँ यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है। जो निंजा का बाकी जो बाइक है काफ़ी बड़ा साड़ी गार्ड मिलता है लेकिन निंजा 300 में क्या आपको थोड़ा छोटा साइड साड़ी गार्ड यहाँ पर दिया गया है। एंड हेयर इज द ओपन साइड चेन सेटअप। तो लगभग 500-600 km के बाद आपको चेन हुआ से लुब्रिकेट करना पड़ेगा, इससे आपका बाइक का चेन पॉकेट जो है आगे बहुत दिन चलेगा। एंड हियर इज द 6-speed गियर बॉक्स एंड इट इज असिस्ट एंड स्लीपर क्लच के साथ आता है। तो आप बिना डर के आप किसी भी स्पीड पे आप डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। इस बाइक में आपको कोई भी सेंटर स्टैंड नहीं देखने को मिलता है, ओनली साइड स्टैंड मिलता है। ओके एंड हियर इज द फुल्ली क्लिप ऑन हैंडल बार। हैंडल बार के यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच, सेल बटन, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर का स्विच। एंड हियर इज द हॉर्न, एक बार बाइक का हॉर्न सुन लेते हैं। हॉर्न जो है काफ़ी लाउड है। एंड हियर इज द डिपर बटन। एंड इंटरनेशनल मॉडल में जितना दूर मेरे को लग रहा है यहाँ पर हैजर्ड का स्विच का जगह दिया हुआ है जो इंडियन मॉडल में नहीं देखने को मिल रहा है। एंड ये आप देख सकते हैं क्लच लीवर एंड ब्रेक लीवर जो है यहाँ पर कोई भी एडजस्टेबल क्लच लीवर या ब्रेक लीवर यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है सेमी डिजिटल, यहाँ पर आप देख सकते हैं टैकोमीटर जो है फुल्ली एनालॉग। एंड हियर इज द स्पीडोमीटर एंड इट इज़ फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर जो है, यहाँ पर आपको स्पीड मिल रहा है। ओडो फ्यूल गेज क्लॉक एंड आई होप यहाँ पर और भी ट्रिप ए ट्रिप बी ओडो एंड यहाँ पर भी और एक स्विच दिया गया है। एंड हेयर इज द ऑयल चेक लाइट, न्यूट्रल का सिग्नल, इंजन माल फंक्शन ABS एंड इंडिकेटर का सिग्नल यहाँ पर, और एक बार ऑफ करके दिखा देता हूँ और क्या क्या है। बैटरी सिग्नल, कूलेंट टेम्परेचर, एज अ कूलेंट टेम्परेचर किलोमीटर पर आवर माइल पर आवर। एंड दो स्विच यहाँ पर आपको मिल जाए। मिरर जो है फुल्ली वाइट मिरर है तो आपको पीछे से देखने से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है।
एंड इट इज मैट ब्लैक में हैंडल बार एंड बाकी जो चीज़ है फुल्ली मैट ब्लैक में एंड यहाँ पर काफ़ी सुंदर एक टेक्सचर दिया गया है जो एकदम फ्रेम के साथ है, ये देख सकते हैं टेक्सचर आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है। दिस इज अ कैंडी लाइम ग्रीन एंड इसका जो हानिक्रोम जो डिज़ाइन है हानिक्रोम डिज़ाइन जो है फुल्ली चेंज कर दिया गया है एंड इसका भी मैं एक बार कलर आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको नीचे का जो पोर्शन है फुल्ली कैंडी लाइम ग्रीन के कलर मिलता है एंड निंजा के यहाँ पर आपको स्टिकर मिल जाता है हानिक्रोम का डिज़ाइन ABS का ब्रांडिंग यहाँ पर भी हानिक्रोम का आपको डिज़ाइन मिलता है। बाकी कलर वाइज जो है चेंजेस है बाकी तो प्रैक्टिकली मेकानिज्म वाइज या फिर टेक्निकली बाइक में कोई भी चेंजेस नहीं है। रिफ्लेक्टर जो है BS6 मॉडल के हिसाब से दिया गया है दोनों तरफ रिफ्लेक्टर एंड मैं एक बार बाइक का एक बार आप लोगों को साउंड सुना देता हूँ। साउंड जो है गाइस काफ़ी अच्छा है एंड थ्रॉटल रिस्पांस जो है काफ़ी अच्छा थ्रॉटल रिस्पांस है इस बाइक का एंड ये जो कलर आप देख सकते हैं ये तो कलर आप लोगों को मैं दिखा दिया एंड पीछे का जो मडगार्ड है यहाँ पर आपको थोड़ा स्पोर्टी मडगार्ड देखने को मिल रहा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आके मडगार्ड ख़त्म हो चुका है जितना दूर मेरे को लग रहा है कंपनी से इतना ही मडगार्ड आएगा तो स्पोर्टी लुक्स को इनहांस करते हुए एंड नंबर प्लेट लगाने का जगह नंबर प्लेट का जो लाइट है विच इज बल्ब लाइट एंड हियर इज द रिफ्लेक्टर एंड बाकी गाइस आप लोग बोलिए आपका बाइक का लुक सबको कैसा लगा एंड आगे मैं बता रहा हूँ इस बाइक का कितना प्राइस है। तो इस बाइक का जो एक शोरूम प्राइस बता रहा हूँ इस बाइक का जो एक शोरूम प्राइस है विच इज़ 318,000 एक शोरूम प्राइस। ऑन रोड प्राइस अगर आपको जानना है अब स्पीड का हो सभी कोलकाता में डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस जो है फुल्ली आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। आप लोग अगर हावड़ा हुगली कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल से देख रहे हो तो डेफिनेटली स्पीड का हो सभी कोलकाता में आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड ये जो है सेकेंड डे है क्योंकि ये जो बाइक लॉन्च हुआ था कल लॉन्च हुआ था 4 अप्रैल को कोलकाता में लॉन्च हुआ था एंड आज जो है 5 अप्रैल तो कल इतना ज़्यादा क्राउड था कि मैं फिनांस स्कीम एकदम ही बता नहीं पाए तो इसलिए सेकेंड डे दोबारा आके मैं सिर्फ ये पोर्शन जो है मैं सेकेंड डे शूट कर रहा हूँ क्योंकि कल बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो इस बाइक का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है विच इज़ 80,000 आपको मिनिमम डाउन पेमेंट से इस बाइक को आप डेफिनेटली ले सकते हैं। 80,000 डाउन पेमेंट करने से आप इस बाइक को डेफिनेटली ले सकते हैं एंड आप अगर 80,000 डाउन पेमेंट करते आपका जो मंथली EMI आने वाला है तो 3 to 5 years के लिए मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आपका अगर 80,000 डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको जो 3 साल के लिए जो हर महीने EMI आने वाला है विच इज़ 11,000 ये जो बोल रहा हूँ अप्रॉक्स है तो थोड़ा 100-200 इधर उधर हो सकता है। तो 3 साल के लिए आपको जो मंथली EMI आने वाला है विच इज़ 11,000 हर महीने EMI आने वाला है। आप अगर 4 साल के लिए लेंगे 4th year के लिए आप लोग अगर लेंगे तो 8,200 rupees आपको हर महीने EMI आने वाला है 4 साल के लिए 8,200 rupees एंड आप अगर 5 साल के लिए जाएंगे 5 years के लिए आप लोग अगर ये स्कीम पे जाएंगे तो 7,000 आपका हर महीने EMI आने वाला है 5 साल के लिए एंड ये जो हो गया 80,000 डाउन पेमेंट से आपका मंथली इतना EMI आने वाला है। एंड इस बाइक को मान लीजिए आप अगर 1.5 lakh डाउन पेमेंट करते 1.5 lakh अगर डाउन पेमेंट करते तो आपको जो EMI आने वाला है विच इज़ 3 साल के लिए आपको हर महीने EMI आने वाला है 8,100 rupees आपको 3 साल के लिए हर महीने EMI आने वाला है 8,100 rupees एंड 4 साल के लिए आप लोग अगर EMI पे जाएंगे तो विच इज़ 6,500 rupees आपको 6,500 rupees आपको 4 साल के लिए हर महीने EMI आने वाला है एंड आप लोग अगर 5 साल के लिए जाएंगे तो 5,400 rupees आपको 5 साल के लिए हर महीने EMI आने वाला है।
एंड इस बाइक को लेने के लिए आपको जो मिनिमम जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो है वोटर कार्ड या फिर पासपोर्ट, फोटो लगेगा, चेकबुक लगेगा एंड आपको पासबुक तो डेफिनेटली लगेगा एंड आप लोग आधार कार्ड भी कैरी कर सकते हैं। इस बाइक का जो बुकिंग अमाउंट है, पहले इस बाइक के लिए आपको बुकिंग करना पड़ेगा। ये जो है डिस्प्ले बाइक है, मतलब टेम्पोररी। आपको आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 4 तारीख है, 4th अप्रैल, तो आज से कल तक मतलब 5 अप्रैल को तक बाइक जो है शोरूम पे रहेगा। इसके बाद जो है बाइक चला जाएगा क्योंकि डिस्प्ले बाइक है। इस बाइक को अगर आपको देखना है तो 5 अप्रैल के अंदर ही आइए क्योंकि शोरूम पे ये बस 2 ही दिन रहेगा। एंड इस बाइक को अगर आपको लेना है तो 30,000 आपको पहले बुकिंग अमाउंट करना पड़ेगा एंड बुकिंग अमाउंट के बाद आपका बाइक जो है 30 to 35 days के अंदर आपका बाइक जो है आपको डिलीवरी मिलेगा, 30 to 35 days। एंड बाकी गाइस आप लोग बोलिए आपको और कुछ जानना है कि नहीं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड बाकी अगर ब्लैक कलर जो अगर आएगा तो डेफिनेटली उसके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एंड ब्लैक कलर जो है उसका आप गूगल करके आप एक पिक्चर देख सकते हैं, या फिर मैं ब्लैक जो कलर है उसका भी मैं फ़ोटो में डाल दूंगा। एंड इस बाइक को अगर आपको लेना है तो पहले आप 30,000 से बुक करना पड़ेगा। बुक करने के बाद 30 to 35 days के बाद आपको जो बाइक डेफिनेटली मिल जाएगा। तो स्पेशल थैंक्स टू स्पीड काउ से कोलकाता जिन्होंने मेरे को वीडियो बनाने के लिए बाइक प्रोवाइड किया, आज ही लॉन्च हुआ भाई। तो भाई बाकी आप लोग का कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना है, फिनेंस को लेकर कोई भी कुछ अगर जानना है तो आप स्पीड काउ से कोलकाता में कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, शोरूम का एड्रेस है, आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का अगर लॉन्चिंग का लाइव वीडियो मैं अपलोड किया था उसका अगर लाइव नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। कावासाकी का और भी बाइक यहाँ पर है, W800, Ninja 650। ये दोनों बाइक का मेरा रिव्यू पहले से बनाया हुआ है, Ninja 650 एंड W800। इसका भी अगर आप लोग को वॉक अराउंड देखना है तो आई बटन में लिंक आ रहा है, आप देख सकते हैं। वर्सेस 1000 है, यहाँ पर Z900 है एंड वर्सेस 650 एंड वल्कन एस। ये जो सब जो बाइक है ये BS6 मॉडल ही है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गाइस।